ईद मुबारक मुबारक हो, ईद मुबारक मुबारक हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। अभी कुछ नहीं किया, अभी होंगे तैयार होंगे। और मेरा ईद का दुपट्टा नहीं मिला तो मैंने ये वेयर कर लिया सूट पे, लेकिन नया है। और मम्मी ने शीर खोरमा बनाया है, बस अभी वो खाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो जी फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका हमें पूरे महीने इबादत के बाद ये मुबारक दिन देखने के लिए नसीब होता है। तो जी यहाँ पर ना ईदगाह में मैंने थोड़ी सी अपने हस्बैंड से वीडियो बनवा ली थी, बिकॉज़ वहाँ पर जाना तो खैर हम जाते नहीं हैं और ना ही बच्चे जाते हैं। और यहाँ पर हमारी नमाज़ भी अदा हो रही है। और कौन कौन ईद की नमाज़ पढ़ता है? मैंने काफ़ी सुना है कि कुछ लोग जो है ना वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, मतलब औरतें नहीं पढ़ती। रेजिनो तो बनाना कौन बनाएगा? दीदा आ जाओ, ईद मिलेंगे। दीदा आ रहे थे, इनका ब्रासलेट नहीं आ पाया ना, ब्रासलेट मंगवा दूंगी पापा। तो बस यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं। और ये दिन भी ना बड़ा ही खूबसूरत दिन होता है, इबादत के इतने दिनों बाद हमें इतना मुबारक दिन मिलता है। और इसमें कितनी अच्छी बात होती है कि दिल से दिल मिल जाते हैं, पैसे मिल रहे हैं। और ये हैं मेरी परियां, जो कि एमी तो आपको थोड़ी सी सुस्त सी लग रही होगी, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी उठ गई थी और आज उसको ना नींद ही नींद सी आ रही है। और माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए इनकी नानी ने जो है ना वो ड्रेसेस बनाई हुई थी, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, दोनों की सेम टू सेम ड्रेसेस बनाई हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि दोनों कैसी लग रही हैं। और यहाँ पर हो गई तैयारी स्टार्ट, ये बनाए हैं मम्मी ने दही बड़े, और इस बार मैंने दही बड़े बनाने की सोच रही थी तो मम्मी ने बना लिए। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है जर्दे की सेवई बनाना, और थोड़ी सी मैं शीर खोरमा बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और हर किचन के अलावा कहाँ जाऊँगी मैं, सिर्फ किचन। अभी बस मैं सेवई बना रही हूँ, चाट मेरी रेडी हो गई है, अभी मैंने सर्विंग बाउल में नहीं डाला है कुछ भी, ये भी रेडी हो जाए। थोड़ा सा शीर खोरमा रेडी करना है, और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस कपड़े तो मैंने पहन ही लिए थे। और ये है मेरी ड्रेस आज की, ये मैंने ट्राउजर बनाया है अपने लिए, जल्दी से खाना बना लेते हैं। अभी मुझे सालन वगैरह भी बनाना है, फिर बाद में बात करती हूँ आपसे।
जर्दे की सेवैयें, वैसे मेरा इरादा तो खैर किमामी सेवैयों का था, लेकिन 3 से 4 साल हो गए, मम्मी भी अभी आई थी तो मैं उनसे बिल्कुल से भूल गई कि मम्मी किमामी सेवैयें लेकर आना। और इनकी ना मुझे किमामी सेवैयें बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि किमामी सेवैयों का जो टेस्ट और खुशबू है ना, वो तो मतलब बात करते ही मेरे ना जी ललचाने लगा कि काश मुझे कहीं से मिल जाए। और मेरा इतना मन होता है ना कि मैं किमामी सेवैयें बनाऊं और आप लोगों के साथ, मैं अभी तक मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि 3 साल से ही मैं वीडियो बना रही हूँ और 3 साल से ही मेरे घर से जो है ना वो किमामी नहीं आती, और मुरैना में जो है ना वो किमामी मिलती नहीं है, ग्वालियर में भी मैंने पूछवाया था तो वहाँ पर भी नहीं मिलती। इंशाल्लाह कभी मैं अब की बार में मैं ज़रूर से लाऊँगी, और बीच में ईद भी ना हो तो मैं किमामी ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मेरा भी ना बड़ा ही जी कर रहा है खाने का। और ये मैं उसके तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन इसको मैं जर्दे की तरीके से बनाकर और सर्व करती हूँ। अब करो, तो जी सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर मैंने अपना सारा सामान जो है ना वो रेडी कर लिया है, और जो मुझे भल्ले बनाना थे ना, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और साथ ही साथ में खाना भी बनाना था और बीच बीच में मेहमान भी आ रहे थे ना, तो फिर मैंने ना भल्लों की जगह आलू को बॉईल करके कट कर इनको कुरकुरा फ्राई कर लिया है क्रिस्पी सा, ये भी बड़े ही मज़े के लगे थे, अपना इनका अलग ही टेस्ट था खाने का, बिल्कुल भल्लों से कम नहीं लग रहे थे। तो ये जी हमारा दस्तरखान हो गया है रेडी, आप सबका भी अल्लाह करे ऐसे ही दस्तरखान सजे रहें, सबके घरों में नियामतों से अल्लाह दस्तरखान भरे रहे और रिस्क में कभी कोई कमी ना आए। तो फाइनली हमारा दस्तरखान हो गया रेडी, और मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली है, क्योंकि वो वाइट थी, ये मैंने दूसरी ड्रेस बनाई थी घर के लिए, और वो मैंने मतलब घर के लिए तो वो भी थी, लेकिन ये थोड़ी डार्क कलर है ना, काम वाम करेंगे उसके दाग वगैरह ना लग जाए इसलिए। और ये बिल्कुल सिंपल जयपुरी सूट है। चलिए ये काम भी अब हम कर लेते हैं, क्योंकि बिना सब्जी के तो खैर पेट भी नहीं भरता, चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने झटपट से सालन बना लिया, और यकीन माने ये सालन ना मेरा 20 मिनट्स में रेडी हो गया था, इतनी स्पीड में बनाया मैंने, फुल गैस ऑन करके बनाया था, क्योंकि बच्चों को तो खैर नहीं लग रही थी भूख, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लग रही थी आज, क्योंकि वो सुबह भी उठ गए थे और लेट नाइट सोए थे, और रात में भी ना खाना कम ही खाया था, तो इस वजह से ज़्यादा जल्दी भूख लग रही थी। फिर भी खाना बनते बनते 12:30 बज चुके थे, और ये दस्तरखान मैंने 1 बजे लगाया, और त्यौहार का दिन इतनी जल्दी निकल जाता है ना, खुशी से पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। हमें तो जा रहा को देखने था, सुबह जब इतना काम था तब आवाज आई थी। फेस अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ना सभी लोग आए हैं सेवैया खाने, और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, आस पड़ोस के आते हैं और दिल से दिल मिलते हैं, सबको दुआएं देते हैं, और यही सभी चीजें तो हैं जो दुनिया में आखिर तक चलेंगी, वरना किसको टाइम है किसके घर आने का बैठने का। और ये जो त्यौहार होते हैं वो मिलने मिलाने के लिए ही होते हैं और मोहब्बत के लिए होते हैं। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ईद की मैं सेकेंड वीडियो डालूँगी, ये लंबी हो जाती इसलिए मैंने 2 पार्ट्स